पिछड़ों दबे कुचलों के मसीहा और दो बार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर का आज 94वां जन्म दिवस है। इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो आजादी के समय कर्पूरी ठाकुर 26 महीने जेल में रहे थे, फिर आपातकाल के दौरान रामविलास पासवान और रामजीवर सिंह के साथ नेपाल भी रहे थे। उस दौर की राजनीति के दौरान कर्पूरी ठाकुर को कितना अपमान का घूंट पीना पड़ा था, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। बिहार में 1978 में हाशिए पर धकेल दिए गए वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण लागू करने पर उन्हें क्या क्या न कहा गया, माँ बहन छो बेटी बहू की भद्दी गालियों से नवाजा गया, सवर्ण प्रभुत्व वाले राजनीति वर्ग के लोग उन पर तंज कसते भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। कर्पूरी ठाकुर जिस दौर में राजनीति कर रहे थे उस दौर में ना मीडिया निर्मित, ना तो किसी जंगलराज के संस्थापक होने का भी आरोप था, ना ही किसी घोटाले में संलिप्तता का मामला आया। फिर इसके बावजूद कर्पूरी ठाकुर के साथ अपमानजनक बर्ताव किया गया था। इसकी सामाजिक जड़ें तलाशना जरूरी है, आखिर कहां से यह नफरत और वैमनस्य आती है। आजादी के 70 बरस बीत जाने और संविधान लागू होने के 68 बरस के बाद भी मानसिकता में अगर तब्दीली नहीं आई है तो इस पाखंड से भरे समाज वाले मुल्क को अखंड कह के गर्मोत्तम होने का कोई मतलब है और ना ही अधिकार। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद जब लालू प्रसाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने तो उनके सामने एक बड़े जननेता के कद की लाज रखना सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसमें वे एक हद तक कामयाब भी रहे। हालांकि अराजकता और भ्रष्टाचार ने उन्हें कार्यकाल को हलकान किए रखा। 1989 का लोकसभा चुनाव जब आया तो उन्होंने बिहार विधानसभा से इस्तीफा देकर दिल्ली का रुख करना उचित समझा। कुछ ही महीनों बाद 90 में विधानसभा चुनाव हुए तो देवीलाल चंद्रशेखर और शरद यादव का भरोसा जीतकर वे उन्हें यह समझाने में कामयाब रहे कि बिहार को कोई कर्पूरी के पद चिन्हों पर चलने वाला जमीनी नेता ही चला सकता है। अजीत सिंह के लाख नहीं चाहने के बावजूद लालू प्रसाद यादव कर्पूरी की विरासत संभालने में कामयाब हो गए। वो दौर ऐसा था कि किसी दलित पिछड़े मुख्यमंत्री को बिहार में कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया जाता था। श्री कृष्ण सिंह के बाद सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करने वाले लालू प्रसाद पहले मुख्यमंत्री थे। सच तो यह है कि लालू प्रसाद ने कर्पूरी ठाकुर के अधूरे कामों को आगे बढ़ाना शुरू ही किया था कि कुछ लोगों को यह बात अखरने लगी थी। 1970 में 163 दिनों के कार्यकाल वाली कर्पूरी की पहली सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। 8वीं तक की शिक्षा उन्होंने मुफ्त कर दी, उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया, 5 एकड़ तक की जमीन पर मालगुजारी खत्म कर दी। फिर जब 77 में दोबारा मुख्यमंत्री बने तो SC/ST के अतिरिक्त OBC के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला सूबा था। 11 नवंबर 1978 को महिलाओं के लिए 3%, इसमें सभी जातियों की महिलाएं शामिल थी, गरीब सवर्णों के लिए 3% और पिछड़ों के लिए 20%, यानी कुल 26% आरक्षण की घोषणा की थी। 17 फरवरी 1988 को अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका देहांत हो गया। आज उन्हें एक जाति विशेष के दायरे में महदूद कर देखा जाता है, जबकि उन्होंने रुग्ण समाज की तीमारदारों को अपने जीवन का मिशन बनाया है। उन्हें न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रसार की भी बड़ी चिंता थी। वे समस्त मानवता की हित चिंता करने वाले भारतीय समाज के अनमोल प्रहरी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।